श्वेता और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। तो जो आज का टॉपिक है वो है वर्जिनिटी टेस्ट, यानी कि वर्जिनिटी टेस्ट क्यों की जाती है और ये सिर्फ महिलाओं के साथ ही हो रही है क्यों। मैं इस चीज़ पे अपनी आवाज़ उठाने आई हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या आखिर चल रहा है, जो अभी फिलहाल का न्यूज़ नहीं है, ये कई सदियों से ये चीज़ें चल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हर वक्त वर्जिनिटी टेस्ट एक महिला की ही क्यों ले जाती है। एक और तरफ से इस टॉपिक को लेंगे कि अगर कोई लड़का वर्जन नहीं है तो उसकी प्योरिटी 100% होती है, लेकिन अगर कोई लड़की वर्जन नहीं है तो उसे अपवित्र कहा जाता है। हम उसी देश में रह रहे हैं, हम उसी इंडिया में रह रहे हैं कि जहाँ वर्जिनिटी के नाम पे हमारे कुछ वसूल भी आ गए हैं, जैसे कि एक रिवाज भी आ चुका है, एक रिवाज बहुत पहले से चलते आ रहा है, वाइट बेडशीट का रिवाज। इस बारे में मैं ओपनली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ देखा था, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, वहाँ कुछ लड़कियों की शादी होने वाली थी तो उनका वर्जिनिटी टेस्ट हो रहा था, उसके बाद उनकी शादी होने वाली थी। सोचिए एक मतलब इंसान पे एक इस तरह का लांछन लगाना। हालांकि जो चीज़ होता है हाइमेन का जो ब्रेक होना होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो इंटरकोर्स हो जाता है, जो सभी को लगता है इंटरकोर्स ही होगा, एक तो इंटरकोर्स लेते हैं और दूसरी चीज़ हम ये लेते हैं कि जब लड़कियां जो होती हैं कुछ गेम खेलती हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, घुड़सवारी करना, साइकिल चलाना, खेल कूद का हिस्सा बनना, ये सारी चीज़ों में भी आपका जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। कई जो कंपनियाँ हैं, लाखों कंपनियां हैं जो इस तरह के हाइमेन बना रही है, नकली हाइमेन बना रही है। उस तरह का हाइमेन अगर लड़कियां यूज़ करती हैं तो इसका मतलब उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ ये वर्जन है। यानी कि क्या आखिर हमारे जो देश में है ये किस तरह की चीज़ें अब भी चल रही है। अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं तब भी ये चीज़ें चल रही है हमारे देश के अंदर, ये मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी। और एक चीज़ ये होता है कि आखिर सोच कब बदलेगी। हर जो लेडीज होती हैं उन्हें हर चीज़ के लिए आगे आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तभी क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो इस चीज़ के भी ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर ये चीज़ें कब तक चलेगा। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं जानती हूँ क्या है सॉल्यूशन, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए जो मेल होते हैं हमारे समाज के, अगर मेल फीमेल की इज्जत करने लगे, ठीक है, आप ये सेंस समझ सकते हैं, जब मेल जो होते हैं फीमेल की इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे तो उस टाइम ये वर्जिनिटी टेस्ट जैसी चीज़ें वो हमारे समाज से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूरत है सोच बदलने की। ये जो मेल है इस तरह के जो घटिया सोच है, जो सामाजिक बुराई है, इन चीज़ों को आप दूर करें। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी मेल इस वीडियो को देख रहा है उससे, तो अपने आप ही सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ें सर्जरी के थ्रू ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है, हाइमेन बनाने की, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ डॉक्टर्स के थ्रू तो मैंने ये भी सुना है कि कुछ टैबलेट्स भी आते हैं जिनको वहाँ पे रखने के साथ क्या होता है कि ब्लड आ जाता है, जो फर्स्ट नाइट का जो भी होता है उस टाइम में। तो आप ये बताइए लड़कियाँ इस तरह की जो चीज़ें कर रही हैं वो चीज़ें कहीं से भी सही नहीं हैं। जो जो मतलब कि भगवान ने ही मेल और फीमेल दोनों को ही बनाया है, और जिस समाज में हम रहते हैं इस समाज का रूल किसने बनाया है, इस समाज का रूल हमने ही बनाया है। और एक टाइम आते के साथ हर चीज़ों को हम अपने बुराइयों को हटाते गए, कभी सती प्रथा हटाई, बहुत तरह की विधवा विवाह वाली प्रथा हमने स्टार्ट की, बहुत तरह की प्रथाएँ हैं जो धीरे धीरे बदलते आई हैं। हमारा जब जैसे देश बदल रहा है, जैसे सोच बदल रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन सारे मेल से रिक्वेस्ट करूँगी, उन सारे पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लेडीज़ की इज्जत करें। इन सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, ये चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती है हमारे लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। ये एक समाज की बुराई थी जिस पे मैंने अपनी बात रखी और मुझे ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ इस बारे में बात करने के लिए। तो ठीक है, मैं